जब भी मैं पेट्रोल भरवाता हूँ तो इतना प्रेशर रहता है कि यहाँ से पूरा गाज भर जाता है और पेट्रोल बाहर आने लगता है। इसका ये वाला पोर्शन अभी जब ये ऊपर जाएगा तो ये यहाँ आता है, ये नीचे इस पे हर बार क्या होगा, हर छोटे छोटे गड्ढे पे ये लड़ेगा नहीं। यहाँ रखा है, डिग्गी ऊपर है, ऐसे लग कर दूंगा जब भी ये नहीं आने वाला। ये जो क्रोम देखते हो ना, ये क्रोम की भाई कोई लाइफ नहीं होती है। क्रोम अगर 2 साल 3 साल चल गया तो अच्छी बात है, वरना ये की चीज़ किससे होती है, निकल की क्रोम होती है, पानी लगते लगते खराब हो जाएगा, ये काला पड़ जाता है धीरे धीरे। सबसे बेकार मीटर है। अब इन मीटर में क्या हुआ, कमी देखो, जैसे स्कूटी हमने ऑन करी है ना, अभी यहाँ एवरेज दिखा रहे 45 की, पर ये 45 की एवरेज नहीं आती। तो ये देख के अब आप समझ गए होंगे कि यार जो जुपिटर 125 सीसी है ना, इसमें प्रॉब्लम्स तो हैं भाई, डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम्स हैं, साथ ही साथ इसमें अच्छी चीजें भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जुपिटर 125 सीसी 2024 में हमें लेना चाहिए। इस डाउट को मैं आज क्लियर करूंगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने इसके अच्छी चीजें और खराब चीजें दोनों पॉइंट आउट किए हैं। मैंने एक एक करके सारी चीजें इसमें जो है बड़ा रिसर्च किया मैंने, और बहुत सारे रिव्यू वगैरह देखे और लोगों से बातें भी की। अभी आपने देखा जो भाई लोगों ने, यूट्यूबर जो मेरे दोस्त लोग हैं, उन्होंने इसका जो रिव्यू किया उसमें इन्होंने जेन्युइन तरीके से बताया कि क्या इसकी प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये स्पेसिफिक किसी एक इंसान के साथ भी हो सकती है और सबके साथ भी हो सकती है। हो सकता है आप छोटे साइज का हेलमेट इस्तेमाल करते हो तो आपको हेलमेट रखने में कोई प्रॉब्लम ना होती हो, लेकिन चलिए शुरुआत करता हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं राइट टू नो। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसके अच्छी चीजों से, क्योंकि बुराइयां तो मैंने शुरुआत में ही आपको दिखा दी। तो चलिए अच्छी चीजें मैं आपको बता देता हूं। वो है सबसे पहला माइलेज। देखिए, माइलेज को लेकर बहुत सारे क्लेम हुए हैं कि जुपिटर 125 सीसी में माइलेज आपको बेहतर मिलता है, बल्कि जुपिटर 110 सीसी जो है उसमें उतना अच्छा माइलेज आपको नहीं मिलेगा। माइलेज को लेकर आप कंप्लेन करेंगे, लेकिन 125 सीसी जुपिटर में माइलेज को लेकर एडवांटेज है। अब बहुत सारे मैंने जो यूजर रिव्यू देखे, प्लस मैंने कई लोगों से बात की, मेरे एक रिलेशन के हैं उनके पास जुपिटर 125 सीसी है, जब मैंने उनसे पूछा तो वो तो डायरेक्ट बोल रहे, अरे 55 के ऊपर का माइलेज देती है। खैर, ये तो मैं भी नहीं मानूंगा कि 55 के ऊपर का माइलेज जुपिटर 125 सीसी दे रही होगी, लेकिन फिर भी माइलेज के मामले में ये इसका एडवांटेज है। माइलेज कितना मिलता है मैं बता रहा हूँ, सिटी में आपको 40 से 45 का मिलेगा, और अगर आप इको स्पीड में चलाते हैं तो आप 45 के ऊपर का माइलेज निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाईवे पे चलाते हैं तो भी आप 45 के ऊपर का माइलेज निकाल सकते हैं। माइलेज को लेकर ये इसका एडवांटेज है, ये तो मैं भी मानूंगा। जो दूसरी चीज है वो है स्टोरेज मैनेजमेंट। जी हाँ, अब देखिए, स्टोरेज मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो सीट के नीचे, अभी आपने देखा भाई जी ने जो बताया कि वो आगे हेलमेट रख रहे हैं तो भी वो सेट नहीं हो पा रहा है, सीट उठ जा रही है, पीछे हेलमेट रख रहे हैं तो भी सीट उठ जा रही है। इसमें 33 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, सीट के नीचे जो स्टोरेज है वो 33 लीटर का है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मैनेजमेंट सही है, क्या स्टोरेज मैनेजमेंट वाकई कंपनी ने सही दिया है। तो देखिए, अगर आप बड़ी साइज का हेलमेट रखने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप किसी भी स्कूटर में नहीं रख पाएंगे, इस चीज की श्योरिटी है, ठीक है। अगर आप मीडियम साइज का हेलमेट रखते हैं या फिर जो स्कूटर्स के हेलमेट होते हैं जो गर्ल्स इस्तेमाल करती हैं, लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, लड़के भी इस्तेमाल करते हैं, अगर मीडियम साइज का हेलमेट है या स्मॉल साइज का हेलमेट है तो आप डेफिनेटली 2 हेलमेट इसमें कैरी कर सकते हैं। प्लस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप रख सकते हैं, एक मीडियम साइज का बैग आप इसमें रख सकते हैं, हेलमेट नहीं रखना होगा, सिर्फ आप बैग इसमें रखना है तो बैग आप रख सकते हैं। तो देखिए, स्टोरेज मैनेजमेंट इसका है अच्छा, इसको तो मानना पड़ेगा। आप कहीं कहीं हमें तकलीफ हो जाती है क्योंकि हम फैंसी हेलमेट इस्तेमाल करने लगते हैं तो भैया उसके रखने की जगह तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब अगली चीज मैं बताता हूँ, वो है फिट एंड फिनिश लेवल। देखिए, इसका जो फिट एंड फिनिश लेवल है वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कंपनी ने ज्यादा कलर ऑप्शन इसमें नहीं दिए हैं, लेकिन अगर जगह जगह की हम बात करें, फिट एंड फिनिश देखें तो अच्छा लगता है। कहीं कहीं इसको लेके शिकायत आती है कि शायद फिट एंड फिनिश में प्रॉब्लम है, बट वो तो आपको हर जगह देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से फिट एंड फिनिश लेवल इस जुपिटर 125 सीसी का अच्छा है। अगली चीज क्या है कि गुड फॉर सिटी एंड हाईवे। अब देखिए, जुपिटर 125 सीसी सिटी और हाईवे दोनों के लिए बहुत परफेक्ट है। अगर आप सिटी में चलाना चाहते हैं तो आपको बेहतरीन पावर और टॉर्क मिलेगा, आप पिकअप का इस्तेमाल करेंगे, इंजन के पावर का इस्तेमाल करेंगे, दो लोग भी जाते हैं साथ में तो कोई दिक्कत नहीं होती, ट्रिपलिंग तो खैर करना नहीं है, अगर दो लोग साथ जाते हैं तो भी दिक्कत नहीं। अगर आप हाईवे पे लॉन्ग जर्नी करना चाहते हैं तो भी आप जुपिटर 125 सीसी के साथ जा सकते हैं। इन सब मामलों में जुपिटर काफी बढ़िया है 125 सीसी वाली, लेकिन अब इसकी कुछ बुराइयां मैं बताने वाला हूं। अब देखिए, जो सबसे पहली बुराई है वो है सर्विस सेंटर में बहुत ज्यादा डिले होता है। टीवीएस की सर्विस को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं कि इनका सर्विस एरिया बहुत अच्छा है, प्लस इनका जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया है,
बट मैं अपनी पर्सनली बात बता रहा हूँ कि मेरे पास जुपिटर 110 सीसी है, मैं अगर सुबह उसको देता हूँ सर्विस सेंटर पे तो शाम हो जाती है उसको मिलने में, ठीक है। कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए, हमारी तो पहचान भी है सर्विस सेंटर पे, शोरूम पे, उसका कोई फायदा नहीं मिलता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि उनके पास पूरे लंबी लंबी लाइनें लगी हैं कि इतनी ढेर सारी लाइनें हैं इसके बाद आपका नंबर आएगा, ऐसा नहीं है। बहुत कम स्टॉक ही होते हैं जो सर्विस के लिए गए होते हैं, लेकिन उनका एक सिस्टम बन गया है कि हाँ स्कूटर आ गया है, खड़ी कर दो, 10 मिनट बाद धुलने जाएगी, धुल के आगे खड़ी हो जाएगी, आधे घंटे बाद उसे स्टैंड पे चढ़ाएंगे, फिर मैकेनिक आएगा, धीरे धीरे अपना काम खत्म करेगा, फिर वो बन के तैयार हो जाएगी, फिर उसको कहीं और ले जाएंगे, आधे घंटे बाद उसको पॉलिश करेंगे। मिला जुला के लोग 4 से 5 से 6 घंटे खा जाते हैं, तो ये चीज मुझे खराब लगती है। दूसरा चीज है इसमें वाइब्रेशन इशू आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए वाइब्रेशन इशू का मतलब ये है कि बहुत से सवाल हैं आपके कि जुपिटर 125 सीसी में क्या वाइब्रेशन मिलता है। तो देखिए वाइब्रेशन आपको हर स्कूटर में देखने को मिलेगा, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन यहाँ पे जुपिटर 125 सीसी के साथ वाइब्रेशन आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। अब ये इतना इरिटेटिंग नहीं है कि आपको चलाने में पिछवाड़े में दर्द होने लगे या फिर वाइब्रेशन की वजह से बॉडी पेन करने लगे, ऐसा नहीं है, बट वाइब्रेशन है और आप ये अच्छे से फील करेंगे। अगली चीज मैं बताता हूँ इसके डिजिटल मीटर कंसोल को लेकर है। जब ये लॉन्च करी गई थी तो मुझे तो एक चीज नहीं समझ में आई, जब लॉन्च करी तो कंपनी ने वो सोचा कि 125 सीसी रेंज में हम एक तो जुपिटर डाल रहे हैं तो ये एक्टिवा 125 सीसी को का मार्केट खाएगी। काफी हद तक इसने खाया भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने जो मीटर कंसोल दिया ना, बहुत घटिया मीटर कंसोल था। इसको लेकर बहुत शिकायतें आ रही थी, हर तरीके से शिकायत कर रहे थे लोग, उसमें माइलेज गलत दिखा रहा था, उसमें चीजें गलत दिखा रहा था, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मीटर कंसोल को लेकर प्रॉब्लम आ रही थी। अब दिमाग में आ गया कंपनी के यार इसमें मीटर कंसोल को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने फटाक से जो है पूरा मीटर कंसोल चेंज किया और अब जो आपको जो है मीटर कंसोल मिलेगा वो फुली डिजिटल मिलेगा, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का विकल्प भी आपको मिलता है, आप अपने फोन वगैरह को इससे कनेक्ट करवा सकते हैं। तो ये मुझे इसका डिसएडवांटेज इसलिए लगा क्योंकि जब ये स्कूटर आया तो लोगों ने बड़े चाव से, मतलब जुपिटर पे विश्वास था उनका, तो उन्होंने बड़े चाव से 125 सीसी का जुपिटर खरीद लिया। फिर आपने थोड़े टाइम बाद जब शिकायतें आई तो आपने फुली डिजिटल कंसोल दे दिया, अब वो लोग मलाल कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है बुरा लगेगा, अगर मैं ही ले लूँ एक महीने बाद आप फुली डिजिटल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला दे दें तो फिर मेरे को तो बुरा लग जाएगा ना कि यार एक दो महीने अगर और रुक गया होता, 1-2 हज़ार महंगी ही पड़ती, लेकिन कम से कम फीचर वाली मिल जाती यार, तो ये चीज थोड़ी बुरी लगती है। आपको देना ही था तो आपको स्टार्टिंग में देना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। ये बातें होंगे इसके अच्छी और बुरी चीजों की। अब मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि क्या हमें ये वेरिएंट लेना चाहिए, क्या हमें वाकई में जुपिटर 125 सीसी लेना चाहिए। तो सबसे पहले इसका वेरिएंट जान लीजिए, 3 वेरिएंट है इसके, एक है ड्रम एलॉय के साथ, दूसरा है डिस्क के साथ और तीसरा है स्मार्ट एक्स कनेक्ट, यानी कि जो सबसे टॉप मॉडल अभी कंपनी ने दे रखा है, ठीक है, जिसमें फुली डिजिटल मीटर कंसोल आपको मिलता है। तो इन तीनों की जो प्राइस है वो है ड्रम एलॉय की 86,086 रुपए एक्सोरूम, डिस्क की है 91,000 एक्सोरूम और स्मार्ट एक्स कनेक्ट की है 98,000 एक्सोरूम। अब इसमें आपको 15,000 से 18,000 रुपए और ऐड करने पड़ेंगे तब आप इनके ऑन रोड प्राइस पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब सवाल उठता है कि क्या हमें लेना चाहिए, लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं, जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा ना कि फ्यूल कैप को लेके प्रॉब्लम हो रही है कि आगे जब पेट्रोल भरवाओ तो गांच के साथ पेट्रोल बाहर आ जा रहा है, तो देखिए ये प्रॉब्लम ना कुछ लोगों के साथ है, मतलब सबके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोगों को ये मैनेजमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि यार आगे ये बड़ा बढ़िया है, आराम से काम हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत बड़ी दिक्कत लग रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि यार अगर स्कूटर कहीं भिड़ गया आगे से तो पाइप आगे लगी फट जाएगी, पाइप नीचे टैंक लगा हुआ है वो फट जाएगा, आग लग जाएगी। तो देखिए यार जब भी आप 2-व्हीलर पे चलते हैं तो रिस्क तो रहता ही है चारों तरफ, और अगर आप भिड़ गए तो फिर आप दुआ करिए कि आप बच जाएं। आप इस चीज को नहीं सोचना है कि उसमें आग लग गई, ये हो गया वो हो गया, बस किसी तरह आप सुरक्षित रहें, बस ये चीज रहती है, ठीक है। तो आप जुपिटर 125 सीसी डेफिनेटली ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन लेने से पहले टेस्ट राइड जरूर ले लीजिएगा, और इसके जो कंपटीटर है खासकर एक्सेस 125 और एक्टिवा 125 दोनों का टेस्ट राइड जरूर ले लीजिएगा, और अगर आपको इनके बीच में कंपैरिजन चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं कंपैरिजन आपको लेकर आऊंगा। खैर मिलूंगा अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद।